हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर साहिल, आई एम प्लास्टिक सर्जन एट अमृतराम माया हॉस्पिटल। आज हम बात करने वाले हैं बेड सोर या प्रेशर सोर्स के बारे में। अब ये बेड सोर क्या होता है, कैसे होता है, क्यों है, क्या ट्रीटमेंट है, आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। तो प्रेशर सोर या बेड सोर का मतलब होता है जो मरीज काफ़ी लंबे समय से बेड पर लेटा हुआ है, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, उसको कमर के नीचे वाले हिस्से में या सर के नीचे वाले हिस्से में या पैर के नीचे वाले हिस्से में एक जख्म बनता है, उसको हम बेड सोर या प्रेशर सोर कहते हैं। तो अब ये क्यों होता है, क्योंकि पेशेंट चल नहीं पा रहा लंबे समय से, तो अपना आप ही पेशेंट जब लेटा रहता है तो प्रेशर के कारण वो वहाँ पे घूम बन जाता है, छोटा सा घाव बनता है, फिर वो बड़ा हो जाता है क्योंकि मरीज इज़ नॉट एबल टू मूव। तो ये हो गया क्यों बनता है। अब इसका क्या करना है, ट्रीटमेंट क्या है। प्रेशर सोर के ट्रीटमेंट में दो चीज़ें हैं, एक होता है नॉन सर्जिकल, एक होता है सर्जिकल। नॉन सर्जिकल में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि पेशेंट की पोजीशन बार बार बदलना, जो मरीज लेटा हुआ है उसके मैट्रेस यानी कि गद्दे, बेड के गद्दे को बदलना, उसमें हम एयर मैट्रेस यूज़ करते हैं, और तीसरा जो है वहाँ की छोटी ड्रेसिंग डेली करना। सर्जिकल मेथड में क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड्स ऑफ द बेड सोर, सो ट्रीटमेंट वेरीज। तो अगर इसके नॉर्मल चार ग्रेड होते हैं, अगर ग्रेड 1-2 है तो हम उसका ग्राफ्टिंग से इसको या फ्लैप से इसको ठीक करते हैं। ग्रेड 3-4 में ग्राफ्टिंग का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ फ्लैप का रोल होता है। फ्लैप का मतलब होता है एक मोटा मांस ले रहे हैं साइड से या कहीं से, वहाँ से फ्लैप ले मांस लेके वहाँ उसके ऊपर बोन को के ऊपर डाल देना या फिर, और उसका प्रॉपरली इसको इलाज करते हैं। ग्राफ्टिंग होता है स्किन ग्राफ्टिंग, जो कि पेशेंट की थाई से ग्राफ्ट स्किन लेके और उस वहाँ लगाना। तो मैंने जैसे जैसे बताया कि ग्रेड 1-2 का ट्रीटमेंट स्किन ग्राफ्टिंग पॉसिबल है और ग्रेड 3-4 का सिर्फ फ्लैप है। तो यदि आपको बेड सोर के बारे में और कुछ जानना है या आपको किसी पेशेंट के बारे में कंसल्ट करना है तो कॉन्टैक्ट अस एट अमृतराम माया हॉस्पिटल। थैंक यू।